चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी बुक्स के बारे में। तो इसमें आप हम लोग कक्षा 9वीं की विज्ञान के बारे में बात कर रहे थे। तो याद रखिए, इसके अभी तक हम लोग 5 चैप्टर आपके खत्म कर चुके हैं। ये आपका 6वां चैप्टर है ऊतक। इससे पहले याद रखना है आपको कि कक्षा 6वीं से लेकर कक्षा 8वीं तक की पूरी बुक्स और कक्षा 9वीं की लास्ट बुक्स बचती है विज्ञान, इसको भी खत्म होने के बाद कक्षा 9वीं तक की सभी बुक्स आपकी कंप्लीट करवा दी गई हैं। 10, 11, 12 की बुक्स बचती हैं, उनको भी मैं बहुत जल्दी कवर करवा दूंगा। एक बात हमेशा याद रखिए कि यार, आप अगर सिविल सर्विस या फिर स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एनसीईआरटी का कोई दूसरा विकल्प नहीं है, ये आपको पढ़ना ही पड़ेगी। और समय रहते हुए, मेरा मानना है कि समय रहते हुए पढ़ भी लें इसे, ठीक है, क्योंकि बाद में पछताना पड़ेगा आपको और आपके पास कोई दूसरा विकल्प भी नहीं बचेगा, ठीक है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप 9 से 12 तक की तो आपको पढ़ना जरूरी है। अगर मेरी मानो तो कक्षा 6वीं से ही पढ़ लें। वो कक्षा 6वीं से कक्षा 8वीं तक की बहुत ही साधारण शब्दों में लिखी गई है और ज्यादा है भी नहीं उसमें मटेरियल। आप 1 सप्ताह 2 सप्ताह में खत्म कर सकते हैं आराम से, पतली पतली बुक से आप। और आपकी जो भी पीडीएफ होती है वो सभी आपकी टेलीग्राम पर डाल दी जाती है, तो उसमें ज्यादा परेशान होने की भी जरूरत नहीं है। आपके लिए जो भी एनसीईआरटी बुक्स जरूरी है सिविल सर्विस के लिए, वो सभी आपकी उसी पर डाल देता हूँ टेलीग्राम पर, और भी जो मुझे अच्छा लगता है वो भी उसी पर डाल देता हूँ, तो आप उससे डाउनलोड कर सकते हैं। ऊतक, हमने पिछले अध्याय में हमने पढ़ा है कि सभी जीवित प्राणी पौधी कोशिकाओं के बने होते हैं। कोशिक जीवों में सभी मौलिक कार्य एक ही कोशिका द्वारा किए जाते हैं। उदाहरण के लिए अमीबा में एक ही कोशिका द्वारा गति, भोजन के लिए लेने की क्रिया, गैसीय विनिमय और उत्सर्जन क्रिया संपन्न की जाती है। लेकिन बहुकोशिक जीवों में लाखों कोशिकाएं होती हैं। इनमें से अधिकतर कोशिकाएं कुछ विशिष्ट कार्यों को संपन्न करने में सक्षम होती है। प्रत्येक विशेष कार्य कोशिकाओं के विभिन्न समूहों द्वारा किया जाता है। इसमें कोशिकाओं के एक समूह एक विशिष्ट कार्य को ही अति दक्षता पूर्वक संपन्न करने के लिए सक्षम होते हैं। मनुष्यों में पेशीय कोशिका फैलती है और सिकुड़ती है, जिससे गति होती है। तंत्रिका कोशिकाएं संदेशों की वाहक होती हैं। रक्त ऑक्सीजन भोजन हार्मोन और अपशिष्ट पदार्थों का वहन भी करते हैं। पौधों में वाहक वाहक नलियों से संबंधित कोशिकाएं भोजन और पानी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करती हैं। अतः बहुकोशिक जीवों में श्रम विभाजन भी होता है। शरीर के अंदर ऐसी कोशिकाएं जो एक तरह के कार्य को संपन्न करने में दक्ष होती हैं, सदैव एक समूह में होती हैं। इससे ज्ञात होता है कि शरीर के अंदर एक निश्चित कार्य एक निश्चित स्थान पर कोशिकाओं के एक विशिष्ट समूह द्वारा संपन्न होता है। कोशिकाओं का यह समूह ऊतक कहलाता है। क्या कहलाता है? ऊतक कहलाता है। ये ऊतक अधिकतम दक्षता के साथ कार्य कर सकने के लिए एक विशिष्ट क्रम में व्यवस्थित होते हैं। रक्त फ्लोएम तथा पेशी ऊतक के उदाहरण है। किसके? ऊतक के उदाहरण है। वे कोशिकाएं जो आकृति में एक समान होती हैं तथा किसी कार्य को एक साथ संपन्न करती हैं, समूह में एक ऊतक का निर्माण करती हैं। क्या पौधों और जंतु एक ही तरह के ऊतकों से बने होते हैं? जो आपके पौधे हैं और जंतु हैं, क्या एक ही ऊतक से बने हुए? चलिए इसके बारे में भी जानते हैं। आइए हम विभिन्न ऊतकों की संरचनाओं तथा उनके कार्यों की तुलना करें। क्या पौधों और जंतुओं की संरचनाएं समान होती हैं? क्या दोनों समरूप कार्य करते हैं? दोनों में स्पष्ट अंतर होता है। पौधे स्थिर होते हैं और वे गति नहीं करते हैं। कौन? पौधे। चूंकि उन्हें सीधा खड़ा होना होता है, अतः उनमें बड़ी मात्रा में सहारा प्रदान करने वाली ऊतक होते हैं। ये सहारा प्रदान करने वाले ऊतक प्रामृत कोशिकाओं के बने होते हैं। दूसरी ओर अगर जंतु की बात करें तो भोजन साथी और आश्रय की खोज में इधर उधर विचरण करना होता है। ये पौधों की अपेक्षा ऊर्जा का अधिक उपभोग भी करते हैं। जंतु के अधिकांश ऊतक जीवित रहते हैं। कैसे रहते हैं? जीवित रहते हैं।
जंतु और पौधों के बीच उनकी वृद्धि के पितरूप में भी एक और भिन्नता है। पौधों की वृद्धि कुछ क्षेत्रों में ही सीमित रहती है, जबकि जंतुओं में ऐसा नहीं होता है। पौधों के कुछ ऊतक जीवन भर विभाजित होते रहते हैं, ऐसे ऊतक कुछ क्षेत्रों में ही सीमित रहते हैं। ऊतकों की विभाजन क्षमता के आधार पर ही पौधों के ऊतकों पादप ऊतकों का वर्गीकरण किया जाता है। वृद्धि अथवा विभाजित योजक तथा स्थायी ऊतक, जंतुओं में कोशिका वृद्धि अधिक एकरूप होती है, अतः जंतुओं में विभाज्य तथा अविभाज्य क्षेत्रों की कोई निश्चित सीमा भी नहीं होती। अंगों और अंग तंत्रों का संरचनात्मक संगठन जटिल पौधों की अपेक्षा जटिल जंतुओं में अति विशिष्ट तथा सीमित होता है। यह मूल अंतर जीवधारियों के दो महत्वपूर्ण समूहों के जीवन यापन के विभिन्न तरीकों को दर्शाता है, विशेषकर इनके भोजन करने की प्रक्रिया में संरचनात्मक संगठन एक ओर पौधों के गतिहीन अस्तित्व तथा दूसरी ओर जंतुओं के विचलन के लिए अंग तंत्रों के विकास हेतु विभिन्न प्रकार से अनुकूलित भी होते हैं। जटिल जंतुओं तथा पौधों के संदर्भ में अब हम ऊतकों की अवधारणा के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। पादप ऊतक, विभायोजक, विभ ज्योतक, प्याज के मूल में वृद्धि। क्रियाकलाप के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। याद रखिए, जो भी इस तरह के क्रियाकलाप होते हैं उन्हें पढ़कर आपको निकल जाना है, समझकर आपको करते नहीं बैठना है। क्रियाकलाप करते बैठ गए आप, मालूम चला कि 2 से 4 साल इन्हें में बीत गए। एक बात आप लोग हमेशा याद रखिए, आपको क्या करना है, पढ़ना है और निकल जाना है। मुझे नहीं लगता है कि कोई NCERT ऐसी होगी जहां आपको किसी की जरूरत पड़ेगी, नहीं। बहुत ही साधारण शब्दों में लिखी गई और इन्हें आप आराम से कवर भी कर सकते हैं। दो शीशे के जार लेते हैं और उनमें पानी भर देते हैं। अब दो प्याज लेते हैं और दोनों जारों पर एक एक प्याज रख देते हैं, जैसा कि चित्र नीचे हम लोगों ने 6.1 में दिखाया गया। कुछ दिनों तक दोनों प्याज की मूलों की लंबाई मापते हैं। पहले दूसरे और तीसरे दिनों में मूल की लंबाई को माप लेते हैं। दूसरे जार में रखी प्याज की मूल को चौथे दिन 1 सेंटीमीटर काट लेते हैं। इसके बाद दोनों जार में रखी प्याज की मूल की लंबाइयों का 5 दिनों तक निरीक्षण करें और उनमें हुई प्रत्येक दिन की वृद्धि की माप को नीचे दी गई तालिका में लिख सकते हैं आप लोग। लिखने का मतलब यह है कि आपको पढ़ना है, आपको लिखते और नापते नहीं बैठ जाना है, ठीक है, बार बार बोलना। ऊपर के निरीक्षणों को देखते हुए नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किसी जार में रखी हुई प्याज की मूल लंबी है, हमारे द्वारा मूल के ऊपरी हिस्से को काट लेने के बाद भी क्या वह वृद्धि करती रहती है? जब हम जार 2 में रखी प्याज की मूल के ऊपरी हिस्से को काटते हैं तो वृद्धि करना बंद कर देगी क्या? पौधों में वृद्धि कुछ निश्चित क्षेत्रों में ही होती है। ऐसा विभाजित ऊतकों के उन भागों में पाए जाने वाले कारण होता है। ऐसे ऊतकों को विभिज्योतक ऊतक कहते हैं, यानी कि विभाजित योग। विभिज्योतक किस भाग में स्थित है? विभिज्योतक की उपस्थिति वाले क्षेत्रों के आधार पर शीर्षस्थ, कैम्बियन, पार्श्वीय तथा अंतर्विष्ट भागों में वर्गीकृत किया जाता है। चित्र 6.2 में विभिज्योतक के द्वारा तैयार नई कोशिकाएं प्रारंभ में विभिज्योतक की तरह होती हैं, लेकिन जैसे ही ये बढ़ती और परिपक्व होती हैं तो इनके गुणों में धीरे धीरे परिवर्तन होता है और ये एक दूसरे ऊतकों के घटकों के रूप में विभाजित हो जाती हैं। ये आपका शीर्षस्थ विभिज्योतक हो गया, ये अंतर्विष्ट विभिज्योतक और ये आपका पार्श्व विभिज्योतक। किसी पौधे में विभिज्योतक की स्थिति दर्शाया है। पूर्व के शीर्षस्थ विभिज्योतक जड़ों एवं तनों की वृद्धि वाले भाग में विद्यमान रहता है तथा वह इनकी लंबाई में वृद्धि करता है। तने की परिधि या मूल में वृद्धि पार्श्व विभिज्योतक कैम्बियन के कारण होती है। अंतर्दिष्ट विभिज्योतक कुछ पौधों में पर्वसंधियों के पास पाया जाता है। विभिज्योतक की कोशिकाएं अत्यधिक क्रियाशील होती हैं, उनके पास बहुत अधिक कोशिका द्रव्य, पतली कोशिका भी होती है और स्पष्ट केंद्रक भी होते हैं। उनके पास रसधानी नहीं होती है। क्या आप सोच सकते हैं कि उनके पास रसधानी क्यों नहीं होती? आप कोशिका पर आधारित अध्याय में उल्लिखित रसधानियों के बारे कार्यों का संज्ञान ले सकते हैं। अब है आपका स्थायी ऊतक। विभिज्योतक द्वारा बनी कोशिकाओं का क्या होता है?
ये एक विशिष्ट कार्य करती है और विभाजित होने की शक्ति खो देती है, जिसके फलस्वरूप वे स्थायी ऊतकों का निर्माण करते हैं। इस प्रकार एक विशिष्ट कार्य करने के लिए स्थायी रूप और आकार लेने की क्रिया को विभेदीकरण कहते हैं। विभिद्योतक की कोशिकाएं विशिष्टिकृत होकर विभिन्न प्रकार के स्थायी ऊतक का विकास करती हैं। अब आप क्रियाकलाप 6.2 को देखिए। एक पौधे के तने को लीजिए और अपने शिक्षक की सहायता से उसके पतले सेक्शन काटिए। अब सभी सेक्शन को सेफिनिन से रंजित करिए। एक अच्छे से कटे हुए सेक्शन को स्लाइड पर रखें, उस पर ग्लिसरीन की एक बूंद डालें, उसको कवर स्लिप से ढक दें और स्लाइड का निरीक्षण सूक्ष्मदर्शी से करें। विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का अध्ययन करें और उनके विन्यास को देखें। चित्र 6.3 से इसकी तुलना करें। इनसे देखिए, ये तने का सेक्शन काट, ये पिथ आपका, संवहन बंडल, मज्जाकरण, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम, कैम्बियन, फ्लोएम, पेरिसाइकिल दोनों में दिख रहा है, एंडोडर्मिस, कोर्टेक्स, हाइपोडर्मिस, एपिडर्मिस और ये आपका क्यूटिकल, म्यूसी लेगिनस कैनाल, इट्राई कॉम। अब नीचे दिए गए प्रश्नों पर विचार करें और निरीक्षण के आधार पर उनके उत्तर दें। क्या सभी कोशिकाएं की संरचना समान है? कितने प्रकार की कोशिकाओं को देखा जा सकता है? क्या हम उन कारणों पर विचार कर सकते हैं कि कोशिकाओं के इतने प्रकार क्यों होते हैं? हमें पौधों की मूलों का सेक्शन काटने की कोशिश कर सकते हैं। हमें विभिन्न पौधों के मूल और तने का सेक्शन भी काट सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग सरल स्थायी ऊतकों की ओर। एपिडर्मिस के नीचे कोशिकाओं की कुछ परतें होती हैं, जिसे सरल स्थायी ऊतक कहते हैं। परेन्काइमा सबसे अधिक पाया जाने वाला सरल स्थायी ऊतक है। यह पतली कोशिका भित्ति वाली सरल कोशिकाओं का बना होता है। ये जीवित कोशिकाएं हैं। ये प्रायः बंधन मुक्त होती हैं तथा इस प्रकार के ऊतक की कोशिकाओं के मध्य काफी रिक्त स्थान भी पाया जाता है। ये ऊतक प्रायः भोजन का भंडारण करती हैं। कुछ पैरेन्काइमा ऊतकों में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। स्थितियों में इन ऊतकों को क्लोरेन इनकाइमा हरित ऊतक कहा जाता है। जलीय पौधों में पैरेन्काइमा की कोशिकाओं के मध्य हवा की बड़ी गुहिकाएं होती हैं, जिसके कारण ये जल में उतराती हैं। इस प्रकार के पैरेन्काइमा को एरिन्काइमा कहते हैं। पौधों में लचीलेपन का गुण एक अन्य स्थायी ऊतक कोलेनकाइमा के कारण होता है। यह पौधों के विभिन्न भागों जैसे पत्ती तना में बिना टूटे हुए लचीलापन लाते हैं। यह पौधों को यांत्रिक सहायता भी प्रदान करते हैं। हम इस ऊतक को एपिडर्मिस के नीचे पर्णबिट में पा सकते हैं। इस ऊतक की कोशिकाएं जीवित और लंबी अनियमित ढंग से कोनों पर मोटी होती हैं तथा कोशिकाओं के बीच बहुत कम स्थान देखने को मिलता है। चित्र 6.4b ये आपका दिया गया है। देखिए, ये आपका पेरेंकाइमा ए चित्ते में और चित्त अंतरा का कोशिक स्थान ए, और इसके बाद बी में आपका कोलेन काइमा, ये आप देख रहे हैं, ये रसधानी कोशिका भित्ति, ये आपका केंद्रक हो गया, ये आपका भित्री की मोटाई हो गई। ठीक है, ये सी है आपका स्क्लेरिंग काइमा, अनुप्रस्थ सेक्शन और अनुदैर्ध्य सेक्शन। एक अन्य प्रकार का ऊतक स्क्ले स्क्लेरेन्काइमा होता है। यह ऊतक पौधों को कठोर एवं मजबूत मजबूत बनाता है। हमने नारियल के रेशे युक्त छिलकों को देखा है। यह स्क्लेरेन्काइमा ऊतक से बना होता है। इस ऊतक की कोशिकाएं मृत होती हैं। ये लंबी और पतली होती हैं क्योंकि उस ऊतक की भित्ति लेंगिनन के कारण मोटी होती है। ये भित्तियां प्राय इतनी मोटी होती हैं कि कोशिका के भीतर कोई आंतरिक स्थान नहीं होता है। चित्त आपने देखा है ना, ये यह ऊतक तने में संवहन बंडल के समीप पत्तियों की सिराओं में तथा बीजों और फलों के कठोर छिलके में उपस्थित होता है। यह पौधों के भागों को मजबूती प्रदान भी करता है।
अब क्रियाकलाप 6.3, रियो की ताजा तोड़ी हुई पत्ती लीजिए। इसे दबाव लगा कर इस तरह तोड़िए कि पत्ती का छिलका अलग निकल आए। इस छिलके को अलग करके जल से भरी हुई पेट्री डिश में रखें। इसमें कुछ बूंद सेफिनिन विलयन की डालिए। द्वार कोशिकाएं तथा एपिडर्मिस कोशिकाएं, पार्श्व दृश्य और पृष्ठ दृश्य, एक बात आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। देखिए, बड़ी बोरिंग लगती है साइंस, अगर आप प्रैक्टिकल करके देखें तो बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, बहुत मजा आता है। केवल जब आप पढ़ेंगे तो ये बड़ा बोरिंग लगेगी, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन भी तो नहीं है कोई। लेकिन हाँ, इसका एक अच्छा इसमें उपाय दिया गया है, जो लास्ट में आपने देखा होगा, इसका निष्कर्ष बताया जाता है कि इस अध्याय में आपने ये पढ़ा है। तो ठीक है, आपको इतना फायदा भी मिल जाता है कि लास्ट में पढ़ने के बाद समझ में भी आ जाता है। और मैं तो कहता हूं, जितना जल्दी हो सके सो इसे साइंस को खत्म कर लिया करिएगा। कुछ समय, लगभग 2 मिनट पश्चात छिलके को स्लाइड पर रख दीजिए तथा इसे धीरे से कवर स्लिप से ढकें। इसका सूक्ष्मदर्शी द्वारा अवलोकन कीजिए। जो आप देख रहे हैं कि वह कोशिकाओं की सबसे बाहरी परत एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस प्राय कोशिकाओं के एक परत की बनी होती है। शुष्क स्थानों पर मिलने वाले पादपों में एपिडर्मिस मोटी हो सकती है, जो जल के क्षय से बचाव हेतु महत्वपूर्ण है। पौधे की पूरी सतह एपिडर्मिस से ढकी रहती है, यह पौधों के सभी भागों की रक्षा भी करती है। एपिडर्मल कोशिका पौधों की बाह्य सतह पर प्रायः एक मोम जैसी जल प्रतिरोधी परत होती है। यह जल क्षय के विरुद्ध यांत्रिक आघात और परजीवी कवक के प्रवेश से पौधे की रक्षा करती है, क्योंकि एपिडर्मल कोशिकाओं का उत्तरदायित्व रक्षा करना है। अतः इसकी कोशिकाएं बिना किसी अंतरकोशिक स्थान के अच्छिन्न परत बनाती हैं। अधिकांश एपिडर्मल कोशिकाएं अपेक्षाकृत चपटी होती हैं। सामान्यतः उनकी बाह्य तथा पार्श्व भित्तियां उनकी आंतरिक भित्तियों से मोटी होती हैं। पत्ती की एपिडर्मिस में हमें छोटे छोटे छिद्र को देख सकते हैं। इन छिद्रों को स्टोमेटा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा को 2 वृक्क के आकार की कोशिकाओं घेरे रहती हैं, जिन्हें रक्षी कोशिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? रक्षी कोशिकाएं कहते हैं। ये कोशिकाएं वायुमंडल से गैसों का आदान प्रदान करने के लिए आवश्यक है। वाष्पोत्सर्जन, वाष्प के रूप में पानी का निकलना की क्रिया भी आपकी स्टोमेटा के द्वारा ही होती है। किसके द्वारा? स्टोमेटा के द्वारा ही होती है। जड़ों की एपिडर्मल कोशिकाएं पानी को सोखने का कार्य करती हैं। साधारणता उनमें बाल जैसे प्रवर्ध होते हैं, जिससे जड़ों की कुल अवशोषण सतह बढ़ जाती है तथा उनकी पानी सोखने की क्षमता में भी वृद्धि होती है। मरुस्थलीय पौधों की बाहरी सतह वाले एपिडर्मिस में क्यूटिन, एक जल अवरोधक रसायन पदार्थ का लेप होता है। क्या हम इसका कारण सोच सकते हैं? क्या एक पेड़ की बाहरी शाखा की परत नए तने की बाह्य परत से भिन्न होती है? जैसे जैसे वृक्ष की आयु बढ़ती है, उसके बाह्य सुरक्षात्मक ऊतकों में कुछ परिवर्तन होता है। द्वितीयक विभाजक की एक पट्टी को कॉर्टेक्स में होती है, कॉर्क नामक कोशिकाओं की परतों की को बनाती है। इन छालों की कोशिकाएं मृत होती हैं। ये बिना अंतःकोशिकीय स्थानों चित्र में देख सकते हैं, 6.6 में छाल कोशिकाएं फटी हुई एपिडर्मी में व्यवस्थित होती हैं। इनकी भित्ति पर सोवरेन सोवरेन नामक पदार्थ होता है, जो इन छालों को हवा एवं पानी के लिए अवैध बनाता है। फिर आपका जटिल स्थायी ऊतक। अब तक हम एक प्रकार की कोशिकाओं से बने हुए भिन्न भिन्न प्रकार के ऊतकों पर विचार कर चुके हैं, जो कि एक ही तरह के दिखाई देते हैं। ऐसे ऊतकों को साधारण स्थायी ऊतक कहते हैं। अन्य प्रकार के ऊतक स्थायी ऊतक को जटिल ऊतक कहते हैं। जटिल ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। ये सभी एक साथ मिलकर एक इकाई की तरह कार्य भी करते हैं। जाइलम और फ्लोरम, फ्लोम ऐसी प्रकार के जटिल ऊतकों के उदाहरण हैं। इन दोनों को संवहन ऊतक भी कहते हैं, और ये मिलकर संवहन बंडल का निर्माण करते हैं। संवहन ऊतक जटिल पौधों का की एक विशेषता है, जो कि उनके उनको स्थलीय वातावरण में रहने की अनुकूल भी बनाती है। चित्त आपका 6.3 में तने का एक भाग दिखाया गया है। क्या हम संवहन बंडल में मौजूद विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं को देख सकते हैं? जाइलम वाहिनिका, वाहिका जाइलम, पेरेंकाइमा, चित्त 6.7a, b और c, एक ही इसकी ट्रैकोड
ये आपका छिद्र दिख रहा है वाहिका, और आपका जाइलम पेरेन्काइमा, कोशिका द्रव्य हो गया ये जाइलम। फाइबर रेशे से मिलकर बना होता है। ट्रेकिड एवं वाहिका की कोशिकाएं भीति मोटी होती हैं, इनमें से कई परिपक्व कोशिकाएं मृत भी होती हैं। ट्रेकिड और वाहिकाओं की संरचना नलिकाकार होती है, इनके द्वारा पानी और खनिज लवण का ऊर्ध्वाधर संवहन होता है। पेरेन्काइमा भोजन का संग्रह करता है, और जाइलम ये आपका फाइबर रेशे मुख्यतः सहारा देने का कार्य करता है। फ्लोएम 5 प्रकार के अवयवों चालनी कोशिकाओं, चालनी नलिका, साथी केशिकाओं कोशिकाओं हैं। फ्लोएम पेरेन्काइमा तथा फ्लोएम रेशों से मिलकर बना होता है। चालनी नलिका छिद्रित भित्ति वाली तथा नलिकाकार कोशिका होती है। फ्लोएम पत्तियों से भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। फ्लोएम रेशों को छोड़कर फ्लोएम कोशिकाएं जीवित कोशिकाएं हैं। ये आपकी चालनी स्लेट हो गया, ठीक है, चालनी नलिका हो गया, ये फ्लोएम हो गया, पेरेन्काइमा ये आपका साथी हो गया कोशिका, ठीक है, फ्लोएम सेक्शन, जटिल ऊतकों के प्रकार हो गए, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग जंतु ऊतक की तरफ। जब हम सांस लेते हैं तब हम अपनी छाती की गति को महसूस करते हैं। शरीर के अंग कैसे गति करते हैं, इसके लिए हमारे पास कुछ विशेष कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें हम पेशीय कोशिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? पेशीय कोशिकाएं, पेशीय रेशे, चिकन रेस पेशीय रेशे, ये आपके केंद्रक है। इसमें चिकने पेशीय रेशे हो गए, देखिए आमाशय। इन कोशिकाओं का फैलना और सिकुड़ना अंगों को गति प्रदान करता है। सांस लेते समय हम ऑक्सीजन लेते हैं, यह ऑक्सीजन कहाँ जाती है? यह फेफड़ों के द्वारा अवशोषित की जाती है तथा रक्त के साथ शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंच जाती है। कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आवश्यकता क्यों होती है? माइटोकांड्रिया का कार्य स्पेशन के हल के लिए एक संकेत देता है, जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। रक्त अपने साथ विभिन्न पदार्थों को शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाता है। उदाहरण के लिए यह भोजन और ऑक्सीजन को सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। यह शरीर के सभी भागों से अपशिष्ट पदार्थों को एकत्रित कर यकृत और वृक्क तक उत्सर्जन के लिए पहुंच जाता है। रक्त और पेशियां दोनों ही हमारे शरीर में पाए जाने वाले ऊतकों के उदाहरण हैं। उनके कार्य के आधार पर हम विभिन्न प्रकार के जंतु ऊतकों के बारे में विचार कर सकते हैं, जैसे कि एपिथीलियम थीलेमी ऊतक, सहयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक, तंत्रिका ऊतक। रक्त सहयोजी ऊतक का एक प्रकार है। जो रक्त है आपका, ये सहयोजी ऊतक का, कनेक्टिव टिश्यू का प्रकार है, तथा पेशी आपका पेशीय ऊतक का उदाहरण है। एपिथेलियमी ऊतक जंतु के शरीर को ढकने और बाह्य रक्षा प्रदान करने के वाले ऊतक एपिथेलियमी ऊतक हैं। एपिथेलियम शरीर के अंदर स्थित बहुत से अंगों और गुहिकाओं को ढकते हैं। ये विभिन्न विभिन्न प्रकार के शारीरिक तंत्रों को एक दूसरे से अलग करने के लिए अवरोध का निर्माण करते हैं। त्वचा, मोह, आहार नली, रक्तवाहिनी, नली का स्तर, फेफड़ों की कुपिका, विक्रिय नली आदि सभी एपिथेलियमी ऊतक से बने होते हैं। एपिथेलियमी ऊतक की कोशिकाएं एक दूसरे से सटी होती हैं और ये अनवरत परत का निर्माण करती हैं। किसका? अनवरत परत का, या आपकी सल्की, घनाकार, स्तंभाकार, स्तरित सल्की, विभिन्न प्रकार की एपिथिलियम ऊतक हैं। इन परतों के बीच चिपकाने वाले पदार्थ कम होते हैं तथा कोशिकाओं के बीच बहुत कम स्थान होता है। स्पष्ट है, जो भी पदार्थ शरीर में प्रवेश करता है या फिर बाहर निकलता हुआ एपिथिलियम की किसी परत से होकर अवश्य गुजरता है। इसके फलस्वरूप विभिन्न प्रकार की एपिथिलियमी कोशिकाओं के बीच की पारगम्यता शरीर तथा बाहरी वातावरण और शरीर के विभिन्न अंगों के बीच पदार्थों के आदान प्रदान में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। सामान्यतः सभी एपिथीलियमों को एक बाहर से दार आधार झिल्ली उसे नीचे रहने वाले ऊतकों से अलग करती है। चित्र 6.9 में दर्शाए अनुसार विभिन्न एपिथीलियमों की रचनाएं विभिन्न प्रकार की होती हैं। इन्हीं की बात कर रहा हूँ जो उनके कार्यों पर निर्भर करती हैं। उदाहरण के लिए कोशिकाओं में रक्त नलिका अस्तर या कुपिका, जहां पदार्थों का सम्मान वर्णात्मक परागम झिल्ली द्वारा होता है, वहां पर चपटी एपिथिलियमी ऊतक कोशिकाएं होती हैं। इनको सरल सल्की एपिथिलियमी भी कहते हैं।
अत्यधिक पतली और चपटी होती है तथा कोमल स्तर का निर्माण भी करती है। आहार नली तथा मुंह का स्तर सल्की एपिथीलियम थीलियम से ढका होता है। शरीर का रक्षात्मक कवच अर्थात त्वचा इन्हीं सल्की एपिथीलियम से बनी होती है। त्वचा को एपिथीलियमी कोशिकाएं इनको कटने और फटने से बचाने के लिए कई परतों में व्यवस्थित होती हैं। चूंकि ये कई परतों के पैटर्न में व्यवस्थित होती हैं, इसलिए इन एपिथीलियमों को स्तरित सल्की एपिथीलियम कहते हैं हम लोग। जहाँ अवशोषण और स्राव होता है, जैसे कि आंत के ऊपरी स्तर में, जहाँ वहाँ लंबी एपिथीलियमी कोशिकाएं मौजूद होती हैं। ये स्तंभाकार एपिथीलियम एपिथीलेमी अवरोध को पार करने में सहायता भी प्रदान करती हैं। श्वास नली में स्तंभाकार एपिथीलेमी ऊतक में पश्चाप होते हैं, जो कि एपिथीलेमी ऊतक की कोशिकाओं की सतह पर बाल जैसी रचनाएं होती हैं। ये पक्षमात माप गति कर सकते हैं तथा इनकी गति श्लेष्मा को आगे स्थानांतरित करके साफ करने में सहायता करती हैं। इस प्रकार के एपिथेलेमी को पक्षा भी स्तंभाकार एपिथिलियम कहते हैं। घनाकार एपिथिलियम में बैक्टीरिया नली तथा लार ग्रंथि की नली के स्तर का निर्माण करती है, जहाँ यह उसे यांत्रिक सहारा प्रदान करती है। ये एपिथिलियम कोशिकाएं पराग ग्रंथि कोशिकाओं के रूप में अतिरिक्त विशेषता अर्जित करती हैं, जो एपिथिलियमी ऊतक की सतह पर पदार्थों का स्राव कर सकती हैं। कभी कभी एपिथिलियमी ऊतक का कुछ भाग अंदर की ओर मुड़ा होता है तथा एक बहुकोशिक ग्रंथि का निर्माण करता है, यह ग्रंथिल एपिथिलियम कहलाता है। फिर सुनते हैं आप लोग सहयोगी ऊतक। जो रक्त है आपका एक प्रकार का सहयोगी ऊतक है, कनेक्टिव टिश्यू। इसे सहयोगी ऊतक क्यों कहते हैं? इस अध्याय की भूमिका में हम इस संबंध में एक संकेत दिया गया है। आइए अब हम इस तरह के ऊतक के बारे में विस्तृत जानकारी लें। सहयोगी ऊतक की कोशिकाएं आपस में हम कम जुड़ी होती हैं और अंतर कोशिकीय अंतरी यानी कि मैट्रिक्स में धसी होती है। चित्त 6.10 या अधात्री जेली की तरह तरल सघन कठोर हो सकती है। अधात्री की प्रकृति विभिन्न सहयोजी ऊतकों के कार्य के अनुसार बदलती है। जी आप ये हैं आपके सहयोजी ऊतकों के प्रकार। विभिन्न रक्त कणिकाएं सनत अस्थि कछाप उपास्थि वसामय ऊतक एरियोलर ऊतक ये आपके दिए गए क्रमशः। ये आपके हो गया ए। इसमें आपका विभिन्न श्वेत रक्त कणिकाएं लिम्फोसाइट मोनोसाइट प्लेटलेट न्यूट्रोफिल एओस इओसिनोफिल कोशिका द्रव हो गया, इसमें केंद्रक दिख रहा होगा, क्षार करंजी बेसोफिल। उसके बाद बी में देखिए, ये आपका हेवर्स नलिका सूक्ष्म नलिका। सी में देखिए कचाप अद्रात्री उपास्थिरियो कांडोसाइट। उसके बाद डी एडिपो वसासाइट, ये आपकी मोटी सूक्ष्म बिंदु केंद्रक हो गया है। इसके बाद ई है आपका संपेटी कोशिका प्लाज्मा कोशिका कोलेजन फाइबर बेहद भक्ष काणु जलिका फाइबर और रेस कोरक। एक क्रियाकलाप देखते हैं 6.4। रक्त की एक बूंद स्लाइड पर ले और उसमें बूंद मौजूद विभिन्न कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी से देखें। रक्त के तरल अधरात्री भाग को प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा में लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी श्वेत रक्त कणिकाएं डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट से निलंबित होती हैं। प्लाज्मा में प्रोटीन नामक तथा हार्मोन भी होते हैं। रक्त गैस शरीर के बचे हुए भोजन और हार्मोन उत्सर्जन पदार्थों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में संवहन करते हैं। अभी आपने प्लाज्मा थेरेपी के बारे में सुना था ना, अभी जब से कोरोना वायरस आया हुआ है तो इसी की बात की जा रही है। आपके रक्त में प्लाज्मा भी होता है, उसमें 90% जल प्रोटीन इस तरह के लवण भी पाए जाते हैं। अस्थि ऊतक अस्थि सहयोगी ऊतक का एक अनुदाहरण है। यह पंजर का निर्माण शरीर को आदान प्रदान करती है, आकार प्रदान करती है। यह मांसपेशियों को सहारा भी देती है और शरीर के मुख्य अंगों को सहारा देती है। यह ऊतक मजबूत और कठोर होता है। अस्थि कार्यों के लिए इन गुणों को क्या क्या उपयोग है? अस्थि कोशिकाएं कठोर अधरात्री में धसी होती हैं, जो कैल्शियम और फास्फोरस से बनी होती हैं। किससे? जो कैल्शियम और फास्फोरस से बनी होती हैं। दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से एक अन्य सहयोगी ऊतक
जिसे हम लोग स्नायु यानी कि अस्थि बंधान तंतु कहते हैं, से जुड़ी होती है। ये ऊतक बहुत लचीली एवं मजबूत होती है। स्नायु में अधरक्ति बहुत कम होती है और अस्थियों की अस्थियों को जोड़ती है। एक अन्य प्रकार का सहयोगी ऊतक कंडरा है, टेंडन, जो अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ता है। कंडरा मजबूत तथा सीमित लचीलेपन वाले रेशेदार ऊतक होते हैं। उपास्थि एक अन्य प्रकार की का सहयोगी ऊतक होता है, जिसमें कोशिकाओं के बीच पर्याप्त स्थान होता है। इसकी ठोस आधात्री प्रोटीन और शर्करा की बनी होती है। ये अस्थियों के जोड़ी को चिकना बनाती है। उपास्थि नाक, कान, कंठ और श्वास नली में भी उपस्थित होती है। हम कान की उपास्थि को मोड़ सकते हैं, परंतु हाथ की अस्थि को नहीं मोड़ सकते हैं। सोचिए ये दोनों ऊतक किस प्रकार भिन्न है। एरियोलर सहयोगी ऊतक त्वचा और मांसपेशियों के बीच रक्त नलिकाओं के चारों ओर तथा नसों और अस्थि मज्जा में पाया जाता है। यह अंगों के भीतर की खाली जगह को भरता है, आंतरिक अंगों को सहारा प्रदान करता है और ऊतकों की मरम्मत में सहायता भी करता है। हमारे शरीर में वसा कहाँ संचित होता है? वसा का संग्रह करने वाले वसामय ऊतक त्वचा के नीचे आंतरिक अंगों के बीच पाया जाता है। इस ऊतक की कोशिकाएं वसा की गोलिकाओं से भरी होती है। वसा संग्रहित होने के कारण यह ऊष्मीय कुचालक का कार्य भी करती है। किसका? ऊष्मीय कुचालक का। फिर आपका पेशीय ऊतक। पेशीय ऊतक लंबी कोशिकाओं का बना होता है, जिसे पेशीय रेशा कहते हैं। यह हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी है। पेशियों में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है, जिसे सिकुड़ने वाला प्रोटीन कहते हैं, जिसके संकुचन एवं प्रसार के कारण गति होती है। कुछ पेशियों की हम इच्छा अनुसार गति करा सकते हैं। हाथ और पैर में विद्यमान पेशियों को हम अपनी इच्छा अनुसार आवश्यकता पड़ने पर गति करा सकते हैं, या फिर उनकी गति को रोक भी सकते हैं। इस तरह की पेशियों को हम लोग ऐच्छिक पेशी कहा जाता है। चित्र 6.11a में इन पेशियों को कंकाल पेशी भी कहा जाता है, क्योंकि ये अधिकतर हड्डियों से जुड़ी होती है और शारीरिक गति में सहायता भी करती है। सूक्ष्मदर्शी से देखने पर ये पेशियां हल्के तथा गहरे रंगों में एक के बाद एक रेखाओं का या धारियों की तरह प्रतीत होती हैं। इसी कारण इसे रेखित पेशी भी कहते हैं। इस ऊतक की कोशिकाएं लंबी, बेलनाकार, शाखा रहित और बहुनाभिकीय होती हैं, नाभीय होती हैं। आहार नली में भोजन का प्रवाह या फिर रक्त नलिका का प्रसार, संकुचन जैसी गतियां ऐच्छिक नहीं है। इन गतिविधियों को हम स्वयं संचालित भी नहीं कर सकते हैं, अर्थात हम इन गतियों को इच्छा अनुसार प्रारंभ या बंद भी नहीं कर सकते हैं। ये अपने आप चलती रहती हैं। चिकनी पेशियां अथवा अनैच्छिक पेशियां इनकी गति को नियंत्रित करती हैं। ये आँख की पलक, मूत्रवाहिनी और फेफड़ों की श्वसनी में भी पाई जाती हैं। कोशिकाएं लंबी और इनका आखिरी सिरा नुकीला भी होता है। ये एक केंद्रीय होती हैं। इनको आरेखित पेशी भी कहा जाता है। इनका नाम आरेखित क्यों? हृदय की पेशियां जीवन भर लयबद्ध होकर प्रसार एवं संकुचन करती रहती हैं। इन अनैच्छिक पेशियों को कार्डिक पेशी कहा जाता है। हृदय की पेशी कोशिकाएं बेलनाकार शाखाओं वाली और एक केंद्रीय होती हैं। देखिए आप, पेशी ऊतक रेखित पेशी, चिकनी पेशी और कार्डिक हृदय पेशी, ये आपकी हो गई। इसमें आपका देखिए ये चित्र, केंद्रक धारियां, उसके बाद केंद्रक ये तर्कुरूपी पेशी कोशिका, उसके बाद केंद्रक धारियां, ये आपकी हृदय पेशी है। ठीक है, इस क्रियाकलाप को भी देख लीजिए। 6.5 विभिन्न प्रकार की पेशी ऊतकों की संरचना की तुलना कर सकते हैं। इसका आकार, केंद्रक की संख्या, कोशिका में केंद्रक की स्थिति को नोट कर सकते हैं। इसे आप छोड़ देना, ठीक है, अगर आपके पास प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो आप भर सकते हैं। तंत्रिका ऊतक, सभी कोशिकाओं में उत्तेजना के अनुकूल प्रतिक्रिया करने की क्षमता होती है। यदि भी तंत्रिका ऊतक की कोशिकाएं बहुत शीघ्र उत्तेजित होती हैं और इस उत्तेजना को बहुत ही शीघ्र पूरे शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती हैं। मस्तिष्क, मेरुरज्जु तथा तंत्रिकाएं सभी तंत्रिका ऊतकों की बनी होती हैं। तंत्रिका ऊतक की कोशिकाओं को तंत्रिका कोशिका या फिर न्यूरॉन कहा जाता है। न्यूरॉन में कोशिकाएं केंद्रक तथा कोशिका द्रव साइटोप्लाज्म में होते हैं। इससे लंबे पतले बालों जैसी शाखाएं निकलती होती हैं, निकली होती हैं।
चित्त 6.12 में आप देख सकते हैं इसे। नियोन तंत्रिका ऊतक की इकाई कोशिका काय, ये आपका केंद्रक हो गया, डेंड्राइट और ये तंत्रिकाक्ष हो गया। प्रायापित्तिक न्यूरॉन में इस तरह का एक लंबा विवर्धक होता है जिसको हम लोग एक्सॉन कहते हैं, तथा बहुत सारी छोटी शाखाएं वाले विवर्धक डेंड्राइट्स होते हैं। एक तंत्रिका कोशिका में 1 मीटर तक लंबी हो सकती है। बहुत सारी तंत्रिका रेशे संयोजी ऊतक के द्वारा एक साथ मिलकर एक तंत्रिका का निर्माण भी कर सकते हैं। तंत्रिका रेशे से गुजरने वाली संवेदना को तंत्रिका स्पंदन कहते हैं। तंत्रिका का स्पंदन हमें इच्छानुसार अपनी पेशियों की गति करने में सहायता करता है। तंत्रिका तथा पेशीय ऊतकों का कार्यात्मक संयोजन प्राय सभी जीवों में मौलिक है। साथ ही यह संयोजन उत्तेजना के अनुरूप अनुसार जंतुओं को गति भी प्रदान करता है। ये आपके क्वेश्चन से देख सकते हैं आपने क्या सीखा, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है और जितनी कमी रहता है उसे पूरा कर देता है। ऊतक कोशिकाओं का एक समूह है जिसमें कोशिकाएं की संरचना तथा कार एक समान होते हैं। पौधों के ऊतक पादप ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, विभाजित ऊतक और स्थायी ऊतक, यानी कि विभाजित होने वाले ऊतक और एक स्थायी ऊतक होते हैं। विभाजित ऊतक मेरिस्टेमेटिक ऊतक एक विभाज्य ऊतक है तथा यह पौधे के वृद्धि वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। स्थायी ऊतक विभाजित ज्योतक से बनता है जो एक बार विभाजित होने की क्षमता खो देता है। इनको सरल तथा जटिल ऊतकों में वर्गीकृत किया जाता है। पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा सरल ऊतकों के 3 प्रकार हैं। जाइलम और फ्लोरम जटिल ऊतकों के प्रकार भी हैं। एपिथिलियमी पेशी असयोजी तथा तंत्रिका ऊतक जंतु ऊतक होते हैं। आकृति और कार्य के आधार पर एपिथिलियम ऊतक को सल्की, घनाकार, स्तंभाकार, रोमिये और ग्रंथिल श्रेणियों में वर्गीकृत यकीनी की बांटा जा सकता है। हमारे शरीर में विद्यमान संयोजी ऊतक के विभिन्न प्रकार हैं, एरियोलर ऊतक, एडिपोज, वसामय ऊतक, अस्थि, कंडरा, स्नायु उपास्थि और रक्त यानी कि हृदय। पेशी ऊतक के 3 प्रकार होते हैं, रेखित, अरेखित और कार्डिक, हृदय पेशी। तंत्रिका ऊतक न्यूरॉन का बना होता है जो संवेदना को प्राप्त और संचालित करता है। इस अध्याय से संबंधित ही आपके क्वेश्चन दिए गए हैं, इन्हें भी आप देख लेना। इस तरह से आपका 6वां अध्याय भी खत्म होता है। आगे हम लोग बात करेंगे आपके 7वें अध्याय के बारे में। बात करेंगे जीवों में विविधता, जीवों में विविधता के बारे में देखेंगे।